हेलो फ्रेंड्स, तो फिक्स योर फाइनेंस के एक और एपिसोड में आपने इस बंदे को तो जरूर देखा होगा। यस, दैट वाज मी। और इस वीडियो पर भर भर के कमेंट आए, तो आज मैं उन कमेंट्स पर पूछे गए सवालों का जवाब दूंगा। कुछ कंफ्यूजन है उनको भी क्लियर करूंगा और अपनी लाइफ की कुछ बातें जो उस वीडियो में अधूरी रह गई थी उनको पूरा करूंगा। तो ज्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो उस वीडियो में काफी लोगों को कंफ्यूजन थी मेरे ईएमआई लोन्स पे। तो मेरा पहली बार किसी ने ऐसे इंटरव्यू लिया था तो मैं नर्वस हो गया था। तो ईएमआई ऊपर नीचे हो सकती है, बट हाँ ईएमआई है। फर्स्ट ऑफ ऑल काफी लोगों को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो उस वीडियो पे काफी लोगों ने काफी अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, तो उन सब लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, तो उन सभी दोस्तों के लिए मेरा तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स टू यू अंशुमन, आपकी वजह से काफ़ी लोग मुझे पहचानने लगे हैं, मेरे बारे में अच्छी बातें करने लगे हैं। तो सबसे बड़ा थैंक्स तो अंशुमन को जाता है जिन्होंने मेरी कहानी दुनिया वालों तक पहुंचाई। तो मैं उस वीडियो में पूछे गए काफ़ी लोगों के सवालों का जवाब देना चाहता हूँ और उसमें काफ़ी मिसकन्फ्यूजन भी थी, तो मैं उसको क्लियर करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले किसी ने बोला कि आप अपने बेटे को सरकारी स्कूल में डाल सकते हो जिससे आप उसका खर्चा कम होता है। उनकी बात सही है, बट मेरे घर के पास जितने भी सरकारी स्कूल हैं उन सरकारी स्कूल की बाहर से तो अच्छे बन चुके हैं, बट उनके अंदर का माहौल मैं आज भी जानता हूँ। तो इसीलिए मैं अपने बेटे को सरकारी स्कूल में नहीं डालना चाहता अपने घर के आसपास के। उसके बाद दूर का मैं वैसे नहीं डालना चाहता, क्योंकि दूर में जाने का मतलब है कि आपको ट्रांसपोर्टेशन कन्वेंस इसका खर्चा भी उठाना। तो इसीलिए मैं अपने बेटे को दूर के किसी स्कूल में डालना नहीं चाहता। जिस स्कूल में मेरा बेटा पढ़ाई करता है वो मेरे घर के पास ही है, इसीलिए मैं उसको घर के पास ही पढ़ाता हूँ और उसकी फ़ीस भी नॉमिनल है। इसीलिए मैं अपने बेटे को अपने घर के पास वाले स्कूल में ही डाला है ताकि मुझे आने जाने में आसानी रहे और मेरा बेटा जल्दी घर आ सके। काफ़ी लोगों ने ये सवाल भी पूछा कि आपकी वाइफ क्या करती है, आपकी वाइफ को आपको सपोर्ट करना चाहिए, उनको भी कमाना चाहिए, आपके साथ फाइनेंशियली हेल्प करना चाहिए। तो इसका जवाब है वो काम करती है। जो मैरिड लोग हैं उनको पता होना चाहिए कि घर के अंदर कि औरतों के कितने खर्चे होते हैं। मैं उन खर्चों को तीन चीज़ों में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला उनके पार्लर और मेकअप का, दूसरी चीज़ उनके कपड़ों का, और थर्ड आता है उनके बाहर का खाना पीना। तो मैं बताता हूँ इन तीन चीज़ों के अंदर जो बाहर का खाना पीना होता है उसमें मैं कॉन्ट्रीब्यूट करता हूँ 90%। उसके बाद दूसरी चीज़ आती है उनके कपड़ों के अंदर, तो उसमें मेरी वाइफ मुझ पर 70-80% डिपेंडेंट नहीं है। मैं मुश्किल से 20-30% ही उसमें खर्च करता हूँ, बाकी सारा एक्सपेंस मेरी वाइफ कमाती है। थर्ड पार्ट है मेकअप पार्लर, उस थर्ड वाले पोर्शन में भी मेरा कंट्रीब्यूशन जीरो है, क्योंकि इस सेक्शन में मेरी वाइफ खुद अपना खर्चा उठाती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मेरी वाइफ मेरा सपोर्ट करती है फाइनेंशियली, जो मेरे एक्स्ट्रा खर्चे होने चाहिए थे मेरी वाइफ के ऊपर वो उसको मैनेज करती है। और ऐसा नहीं वो साल में सिर्फ फेस्टिवल्स या कुछ ओकेशन पे वेट करती है करने का, वो पूरे साल अपना काम करती है, जैसे कभी कोई पार्लर का छोटा मोटा काम आ गया हो। तो आगे बात करते हैं हमारे इस घर के बारे में। मैंने उस वीडियो में कहा था कि हमारा घर बहुत छोटा था, 10x12 का एक रूम था जिसको हमने मेहनत कर करके इस घर जैसा बनाया। अर्णव क्या हो बेटा, क्या हो गया, आपको घर कैसा लगा? क्यों अब बड़ा हॉल रहेगा? खिड़की बना दो, तो मैं आपको वीडियो दिखा दूंगा कि जो ये घर पहले कैसा था और अब कैसा है और हमने क्या क्या काम किया इसके अंदर। तो इस घर को बनाने में हमने काफ़ी मेहनत करी, जो मैंने लोन लिया था उन पैसों से मैंने इस घर को बनाया, हमने अकेले सींचा। तो इस घर को बनाने में हम सब ने, मैं, मेरी वाइफ, मेरे बेटे, तीनों ने बराबर का सहयोग दिया। कुछ लोगों ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप फ्रीलांस वर्क करो, तो ऐसा नहीं है मैंने कोशिश नहीं की, मैंने बहुत कोशिश की है फीवर पे, बिहेंस पे, अपवर्क पे अपना काम डाल के। ऐसा नहीं है कि मुझे काम नहीं मिलता, मुझे काम मिलता है बीच बीच में, बट वो कंटिन्यूसली नहीं होता। कभी कभी काम आता है, छोटा मोटा काम आता है तो मैं काम कर लेता हूँ,
कहीं ना कहीं से आता है। कभी मुझे वीडियो बनाने के लिए कोई बोल देता है, कभी कोई कार्ड बनाने के लिए बोलता है, तो मैं काम कर लेता हूँ, उसमें मेरी छोटी मोटी इनकम हो जाती है जिससे हम अपने अदर मिसलिनियस खर्चे कर लेते हैं। बट काफ़ी टाइम से उस पर रिजल्ट ना आने के कारण मैंने उस पर उम्मीद लगाना छोड़ दिया। बाकी मैं अगर मैं जॉब की देखूँ तो मैं जॉब ऐसा नहीं है, मैं अप्लाई नहीं करता, बट हाँ मैं कोशिश करना नहीं छोड़ता, मैं काम में लगा रहता हूँ अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में। कि कभी कभी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण मैं उन चीज़ों पर वक्त नहीं दे पाता जिन पर मुझे देना चाहिए। हाँ ये मेरी थोड़ी सी कमी है, बट मैं इसको ज़रूर ठीक करूँगा। अगर इस वीडियो को देख के किसी के पास भी कोई फ्रीलांस काम हो और कोई मुझे काम देना चाहता है, तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना पोर्टफोलियो लिंक, अपना लिंक्डइन आईडी और अपनी सोशल मीडिया आईडी शेयर कर दूंगा। किसी भी पर्सन को अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना हो तो उस पर क्लिक करके आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जैसे आप सब लोगों ने उस वीडियो पर अपना प्यार दिखाया है, उसी तरह मैं उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो में भी आप हमको ढेर सारा प्यार दिखाएं। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल टैली बॉय अर्नव। मिलते हैं अगले वीडियो में मेरे बेटे अर्नव के साथ।